जय श्री कृष्णा। जीवन में कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भय ही व्यक्ति के पतन और पाप का कारण बनता है। इसे दूर करने की 5 बड़ी सीख जानने के लिए पढ़े सफलता के मंत्र। बचपन हो या फिर बुढ़ापा, इंसान को कभी न कभी किसी न किसी चीज का डर अक्सर लगा रहता है। किसी को पढ़ाई में फेल हो जाने का डर है, तो किसी को बिजनेस में घाटे का डर है, तो किसी को किसी व्यक्ति विशेष या जानवर से डर लगता है। किसी चीज को लेकर डर होना इंसान का अपना एक स्वभाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डर कहीं और नहीं बस आपके दिमाग में होता है, जो अक्सर आपकी असफलता का कारण बनता है। किसी भी चीज के लिए डर का होना मन की एक स्थिति के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। डर के चलते आप जितना किसी चीज से दूर भागेंगे, डर उतना ही आपके करीब बना रहेगा। आइए डर को दूर करने और उस पर विजय दिलाने वाले 5 प्रेरक वाक्य पढ़ते हैं। जीवन में कभी भी भय को पास न आने दो। यदि ये किसी कारणवश नजदीक का भी जाए तो उस पर हमला कर दो, यानी अपने भय से भागो मत, उसका सामना करो। यदि आप अपने डर पर विजय पाना चाहते हैं, तो कभी भी घर में बैठकर उसके बारे में न सोचें, बल्कि घर से बाहर निकलें और अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं। जब कभी भी आप अपने किसी नए काम की शुरुआत करें, तो असफलता से बिल्कुल न डरें और उस काम को छोड़ने की गलती बिल्कुल न करें। जीवन में जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, वह हमेशा सफल और प्रसन्न रहता है। जीवन में डर का न होना साहस नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के भय पर विजय पाना साहस कहलाता है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो अपने डर को परास्त करता है। आप जिस भी काम को करने से डरते हैं, उसे करिए और लगातार करते रहें। यही किसी भी प्रकार के डर पर काबू पाने के लिए अब तक का खोजा गया सबसे अच्छा तरीका है। चलिए एक कहानी के जरिए आपको बात समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, लड़का और अधिक भयभीत होता गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं। लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। ये वह दिन था जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था, उससे कहीं अधिक मजबूत है। और वह जो सोच सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी की सीख: आप जितना सोचते हैं, उससे अधिक मजबूत हैं। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए। जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।